लगा। तत्पश्चात कुछ समय के बाद अचानक फिर से अंधकार हटकर प्रकाश में परिवर्तित हो गया। महाराज क्या कहा हनुमान, हमें तो पहले से ही शंका थी कि भक्तराज लंका में रहते हैं। आखिर भक्तराज ने वही कार्य कर दिखलाया जो इन्हें नहीं करना था। भक्तराज आपने मेरे प्रभु को अगर कहीं छुपा करके रखा है तो सलामती तुम्हारी इसी में है कि मेरे प्रभु को मेरे सम्मुख लाओ। महाराज हमें तो पहले से ही भक्तराज पर शक था क्योंकि आप तो जानते हैं वो लंका भी कसकदार भक्तराज भवीषण का भाई है कि हो रही पराजय लंकेश्वर की ये बात न सहन कर पाई हो। इसलिए भक्तराज भविष्ण अब तुम्हें प्रहार से नहीं बच सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका तत्काल मुझे जवाब दो। वाह हनुमंतलाल वाह, अपने सर का बोझ मुझ पर डाल दिया। आपको पहरेदारी पर थे और फिर भी आप कह रहे हैं मुझको जाते हुए प्रभु के पंडाल तरफ देखा। नहीं अंगद ऐसा नहीं है, हनुमंतलाल तुम्हें धोखा हो गया। भक्तराज हनुमंतलाल मैं कब आया ही इधर जब की काली रात देखा है सपने या की बात। हनुमंतलाल तुम्हें धोखा तो नहीं हो गया, कहीं तुमने स्वप्न में तो नहीं देखा। और फिर चंद्र भक्तराज भविष्ण लगता है सीधी उंगली से फिर निकलने वाला नहीं, इसलिए मेरी बात को सुनो भक्तराज के भविष्ण सब तेरी है।
थप्पड़ मारनी चाहिए। तत्काल बोलो अन्यथा मैं तुम्हारा प्रणाम करूंगा। मयंक देख, जब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या किया जाता है? तो ठीक है, अपनी उंगली टेढ़ी कर और भगवराज के मुंह से निकाल वो शब्द कि प्रभु कहाँ छुपे होंगे। वही भगतऊ सही सही बता दियो, अना जान के नहीं हो तुम्हारा पेट फोड़ डाला। नहीं मैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा? मालूम होता तो अवश्य बतलाता। तो हनुमंत लाल झूठ बोल रहे, सही सही बताना। नहीं मालूम है। अच्छा हमका दुलारा है ना, हम तो लोग हम मारी थी है। अब सही सही बता दो, अगर के हो तो बता। हरे के शंकरपाल यही के निवासी हैं।